घंटे के अंदर पोस्टर चिपकाने के जुर्म में 138 FIR। छह लोगों को गिरफ्तार कर लिया कहते हैं। एक कोई प्रिंटर है। प्रधानमंत्री जी की तबीयत ठीक है? मैं पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी की तबीयत ठीक है? हमारे महान देश के इतने शक्तिशाली प्रधानमंत्री एक प्रिंटर और छह गरीब आदमियों से भिड़े पड़े हैं परसों से, ये शोभा देता है हमको? इतने महान देश के शक्तिशाली प्रधानमंत्री एक प्रिंटर से भिड़े पड़े हैं परसों से? ये पोस्टर ही तो था मोदी हटाओ देश बचाओ, लगा लिया, क्या फर्क पड़ गया? तबीयत ठीक है प्रधानमंत्री जी की? इतना डर, किस बात का डर है प्रधानमंत्री को? इतनी इनसिक्योरिटी, इतने इनसिक्योर हैं, लोगों को पकड़ के जेल में डाल रहे हैं। एक मेरे को बीजेपी वाला मिला, कहता है सर प्रधानमंत्री मोदी जी 18 घंटे काम करते हैं। मैंने कहा यार कैसे मैनेज करते हैं, सोते कब हैं? कहता जी 3 घंटे सोते हैं। मैंने कहा काम कैसे चलता है 3 घंटे में? तो किसी इंसान का काम नहीं चलता 3 घंटे की नींद से, तो 6 घंटे की नींद जो चाहिए होती है। मैंने कहा 3 घंटे की नींद से तो काम नहीं चलता। बोला जी उनको दैवी शक्ति मिली हुई है। मैंने कहा पगले, ये दैवी शक्ति नहीं कहते, इसको नींद की बीमारी कहते हैं। प्रधानमंत्री जी को बोलो ठीक से सोया करें, नींद नहीं आती तो नींद की गोली ले लिया करें, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा लें। अगर प्रधानमंत्री जी ठीक से सोएंगे नहीं तो सारा दिन चिड़चिड़े रहते हैं। कभी उनको हंसते देखा है? सारा दिन चिड़चिड़े रहते हैं, गुस्सा आया रहता है, इसको जेल में डालो, इसको जेल में डालो, उसको जो सवेरे से शाम तक बस जेल में डालो, जेल में डालो, जेल में डालो। तो मेरी, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि प्रधानमंत्री जी स्वस्थ रहे, हमारे देश के प्रधानमंत्री स्वस्थ होंगे तभी देश तरक्की करेगा। आज इन्होंने, बीजेपी वालों ने मेरे खिलाफ भी बहुत पोस्टर लगा दिए पूरी दिल्ली में। मीडिया वाले आए, पता चला कोई पुलिस उनको, मेरी सारे पुलिस वालों से विनती है हाथ जोड़ के किसी को गिरफ्तार मत करना। जनता का हक है पोस्टर लगाना। केजरीवाल अच्छे काम करेगा तो जनता जय जयकार करेगी, केजरीवाल बुरे काम करेगा तो जनता पोस्टर भी लगाएगी मेरे खिलाफ। लगाए मेरे खिलाफ पोस्टर, मेरे को कोई आपत्ति नहीं है, कोई FIR नहीं होगी, किसी को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। और मैं प्रधानमंत्री जी से निवेदन करता हूं, उन बेचारों को छोड़ दो यार, वो 6 गिरफ्तार कर रखे हैं, उनको छोड़ दो। थोड़ा सा मोदी जी थोड़ा बड़ा दिल दिखाओ, उन 6 को छोड़ दो, गिरफ्तार कर रखे उन लोगों को। हैं जी, अभी आएंगे उस पे। आज देश की सबसे बड़ी समस्या भ्रष्टाचार है, इतना भ्रष्टाचार।